पूरे देश भर में अभी कोरोना वायरस का आतंक चल रहा है, उसमें भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज हैं, और इसमें भी मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है उसमें अधिक ज्यादा मरीज है। ये कहानी है मुंबई के रहने वाले कमलेश की, जो कि प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय था। कमलेश की तबीयत हमेशा खराब होती रहती थी, और जब कोरोना के मरीज देश भर में दिखने लगे तो वो थोड़ा सा डर गया था। कोरोना का बढ़ता हुआ प्रादुर्भाव देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, पर कमलेश जिस कंपनी में काम कर रहा था वो एक अत्यावश्यक सेवा देने वाली कंपनी थी, तो कमलेश को कैसे भी करके काम पे आना ही था। कमलेश बहुत डर गया था क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ता था और उसे लगता कि एक ना एक दिन उसे भी कोरोना हो जाएगा। तो उसने उसके बॉस से लॉकडाउन होने तक छुट्टी मांगी, पर बॉस को ऐसा लगा कि कमलेश को छुट्टी लेने का एक बहाना मिल गया, तो बॉस ने छुट्टी देने से मना कर दिया। अब कमलेश को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम थी। ऑफिस जाने के लिए कमलेश ने एक मास्क खरीदा और बहुत सारे सैनिटाइजर घर में रखे, और डरते डरते वो ऑफिस जाने लगा। जब उसका ऑफिस चालू था तब मुंबई में बहुत कम लोग थे जिनको कोरोना हुआ था। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए कोरोना बाधितों की संख्या मुंबई में बढ़ने लगी, इसके कारण कमलेश और भी ज्यादा डरने लगा। एक रात में जब वो ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर पीछे कोई भी नहीं था। उसको इल्यूजन्स होने लगे थे और डर के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल से जब उसे डिस्चार्ज मिला और वो घर जा रहा था वो नॉर्मल था, पर जब कमलेश हॉस्पिटल से घर आया तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसे शायद कोरोना का संसर्ग हुआ है क्योंकि वो हॉस्पिटल में था। उस रात उसे एक भयानक सपना आया कि वो हॉस्पिटल में है और उसे कोरोना का संसर्ग हुआ है। जब वो होश में आया तो वो बहुत डर गया। ऐसे ही हर रात में होता था। दो तीन दिनों के बाद जब वो काम पे था तभी उसे ऐसा लगा कि उसको बहुत जोर से खांसी आ रही है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, पर जब वो दो मिनट में होश में आया तो वो बिल्कुल ठीक था। इसके बाद दो से तीन दिनों तक उसे ऐसे ही हेलुसिनेशंस होने लगे। इससे कमलेश के काम में भी रुकावट आती थी तो कमलेश को बॉस ने छुट्टी दी। फिर भी कमलेश के हेलुसिनेशंस कम नहीं हो रहे थे। वो हॉस्पिटल में भी जाकर आया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तो कमलेश ने डॉक्टर की बात मान ली, पर फिर भी उसके हेलुसिनेशंस कम नहीं हो रहे थे। एक रात तो उसको ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई आया है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो कमलेश कमरे से भागा और छत पे गया, और फिर भी उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे कोई मारना चाहता है, तो उसने इन सभी हेलुसिनेशन से डर कर छत से कूद कर आत्महत्या की। तो दोस्तों, कोरोना से डरने की बजाय कोरोना से लड़े, घर में रहे, सेफ रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।